आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. Within hours of PM Modi announcing a complete lockdown to contain the spread of COVID-19, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath put out multiple tweets asking people to not even step out for essential supplies like food, milk or medicines. He said that 10,000 vehicles will be delivering these items to the population of Uttar Pradesh, which is about 20 crore, which means one vehicle for 20,000 people. The Quint brings you ground reports from Ayodhya, Muzaffarnagar and Unnao to see if the government is living up to its promises to the most vulnerable, the old, the daily wage workers and the poor. तो दवाइयाँ चल रही है आपकी? दवा बस चली थी, अब कहाँ से लावा दवा. अच्छा, 21 दिन के लिए बाजार बंद हो गया तो खाने पीने की चीज की प्रॉब्लम आएगी? यार तो आएगी नहीं भाई साहब, कहाँ तक कहाँ चलेगा इतना, इतना थोड़ा ना है कि भाई जो तो हम बैठ कर खा लेंगे. जो किचन में आपके राशन है वो कितने दिन चल सकता है? अब तो बस खत्म कर गया, आटा वाटा सब खत्म है, हमारी दाल वाल आटा सब चीज खत्म ही है. थोड़ी थोड़ी एक आध किलो पड़ा होगा आटा, अब ये कह रहे थे उसे फोन करूंगा भाई हमें 10 किलो आटा दे देंगे, क्या नहीं हो आदमी मेरा पहला ही जाए और रिक्शा चलनी बंद हो रही है और घर में कुछ भी सामान या खाने का घुटने का कुछ भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है. मैं तो बताओ क्या कमाने जावा क्या खाने जावा. तो जिस तरह से 21 दिन के लिए पूरा लॉकडाउन हो गया बंद हो गया है. हाँ, कुछ हमें सहायता चाहिए सरकार से, फिर मेरे खाने पीने का सामान भेजे जावे, सिलेंडर नहीं है घर में, खाने पीने का सामान सब खत्म हो रहा है हमारे. तो कोई शासन से प्रशासन से आपको राहत मिली है कोई कि हाँ सामान दिया जाएगा आपको? कोई सामान नहीं आ रहा है. दवा वा आपकी चलती है? दवाई चलती रहने के लिए अब नहीं है. तो कैसे लेने जाएंगी? अब तो लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया. अब बंद हो गया कैसे नहीं जाए तो ले. तो दवा नहीं है तो फिर कैसे आप दवा नहीं खाएंगी तो कैसे चलेगा आगे? अब का बच्चा बताइए, इसे भगवान रखिए कैसे रहा जाए. राशन पानी की क्या व्यवस्था? राशन का है बच्चा, कुछ नहीं है भाई, यह खेतन पातन गेहूँ काटी वाटी ले तो हो जाते हैं, खाते नहीं मोलावत खा गई हैं. तो बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चा हमारे यहीं टगारा करते हैं बच्चा. तो वो भी काम बंद हो गया? वो भी बंद हो गया. फिर कैसे गुजारा बसारा होगा जब यहाँ पे राशन की व्यवस्था नहीं हो रही? हाँ, सरकार नहीं है साहब, कुछ नहीं है. और खेती पाती है नहीं साहब, मंजूरी है, हमारा लड़का है, हम भी हम. ईंट गारे में कितना कमा लेते हैं आप? ईंट गारे में 300-200. तो आज वो भी नहीं कमा पाए? आज का एक हफ्ते से नहीं काम चल रहा है कोरोना की. हाँ, तो अब तो 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है तो अब कैसे आप उन सब चीज़ों को सरवाइव करेंगे? कैसे अब देखा जाएगा आगे जैसा होगा. कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं. 3 बच्चे और पत्नी है. हाँ, दुकान सब बंद है, बाजार बंद है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहा बताए. हाँ, आटा चावल मिल नहीं रहा है. ईंट गारा करते हैं, ईंट गारा भी बंद हो गया आजकल. अरे बंद कल ही से आई. दिहाड़ी पे काम करते हैं नहीं. तो कैसे मतलब आज कुछ राशन पानी कुछ आया सरकार की तरफ से? जो व्यवस्थाएं की बात कही जा रही थी कुछ नहीं आया यहाँ गांव में. कहीं पर? कहीं पे नहीं बता. प्रधान की तरफ से या नगर पंचायत की तरफ से? प्रधान निहाल करें बैठे थे, अभी बैठे कहाँ. तो आप को कैसे खर्चा चलाएंगे अपने घर का? अब तो 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है. 21 दिन का हो गया है तब क्या किया जाए? कुछ भूखे पड़े रही हैं, कैसे आदमी जिएगा तो वही है. मोदी कहता है अंदर रहो खाली बस. मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, घर घर दूध पहुंचाएंगे, घर घर सब्जी पहुंचाएंगे. आप कुछ नहीं आया सुबह से अभी तक का समय भी नहीं आया. तो परिवार में बच्चे और पत्नी कैसे क्या खा
बाजार सब्जी ले जाओ वहाँ नहीं मिलती है, डंडा लेके पुलिस लपेटती है, पुलिस मार रही है। और क्या, तो आप काम वाम की तलाश में इधर उधर कहीं गए सुबह? गए तो वहाँ तो बंद ही है, लपेट लेती पुलिस। Now the UP government in various districts has issued helpline numbers to people and asked them to call in if they're facing any difficulties. Now the interesting thing is we asked this question to everyone if they knew about these helpline numbers and almost none of them knew. And the one person who did claimed that when he called the number wasn't reachable. सरकार कह रही है हमने टोल फ्री नंबर उन्नाव जिला प्रशासन ने दिए हुए हैं, DM ने SP ने, तो क्या उन टोल फ्री नंबर आपके पास हैं? हमारे पास नहीं है बच्चा। गांव में किसी के पास है? अब यो नहीं बता सके थे। प्रधान ने आपको बताया? नहीं बता कुछ, प्रधान देखा नहीं आवत बच्चा। प्रधान भी नहीं आए राशन पानी लेकर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रशासन द्वारा कुछ नंबर अलॉट किए गए हैं और सुविधा देने की बात की जा रही, क्या आप तक अभी कोई सुविधा और कुछ अभी तक पहुँच पाई है? कुछ नहीं पहुँच पाई। सरकार द्वारा कुछ नंबर अलॉट किए गए हैं, क्या उनकी जानकारी अभी आप तक मिली है? Now it's clear that the government has failed to reach out to these people. But to be sure, we decided to use and try these numbers ourselves. वायरस को लेकर जहाँ पर उन्नाव जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं, हम उन कंट्रोल रूम नंबरों को मिलाते हैं क्योंकि कई लोगों ने मिलाए हैं, ऐसा बताया जाता है कि वो नंबर उठ नहीं रहे हैं, तो हम उन नंबरों को ट्राई करते हैं कि आखिर कौन से नंबर पर कॉल करते हैं तो उनसे बात होती है। The number you have entered is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये कंट्रोल रूम का नंबर था जो BSNL का नंबर था, एक दूसरा नंबर है जो डॉट नंबर है, हम वो भी ट्राई करते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर है जो उन्नाव जिला प्रशासन ने आम जनमानस को दिया है और इस नंबर को हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये उठ नहीं रहा है। 0515-2820-207 ये नंबर है कंट्रोल रूम का, लेकिन ट्राई कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा है। और ऐसी आपदा की स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में, इन नंबरों को मिलाने के लिए आम जनमानस से बोला गया है ये 24 घंटे चालू रहेंगे लेकिन ये नंबर उठ नहीं रहा। अब हम शासन द्वारा दिए गए किराना स्टोर के नंबर से कॉन्टेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि नंबर मिल जाता है तो होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर दें, लेकिन जो नंबर दिया गया है वो नंबर फिलहाल यही बता रहा है कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, यानी ये नंबर नहीं लग रहा है, फोन नहीं लग रहा है। तो जैसे गौरव ने उन्नाव से और सौरभ ने अयोध्या से हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, वैसे ही मैं अब मुजफ्फरनगर के हेल्पलाइन पे नंबर करने वाली हूँ। पहले फ़ोन लगाते हैं मुजफ्फरनगर पुलिस को। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ठीक है, तो बिजी है तो हम दूसरे नंबर पे ट्राई करते हैं जो दिया गया है प्रशासन का। Now it's not even been a week since the lockdown was announced and there are at least 2 more weeks to go, which means that the essential items that these people have, medicines, oil, gas, etc., all this is going to run out. While the UP government has relaxed some rules from saying earlier that nobody should step out at all, now there are particular hours where you're allowed to step out to buy essential items. While this is being done, strong measures backed by action will be needed on the ground to ensure the survival of thousands.